अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हैंड एंड फीट गोरे करने का तरीका। जाहिर है हर किसी को शौक होता है कि हमारे हाथ पाँव ऐसे साफ सुथरे हो, चाहे गोरे ना भी हो, कहते सन टैन हो, साफ सुथरे हो, चमकदार हो, कहीं पे दाग धब्बे ना हो, इस तरह की मस्किन हो कि हम अपने जो है ना पाँव मतलब शूज़ जैसे हम पहनते हैं बाज़ार में। मैं भी अक्सर कभी चली जाती हूँ, मेरे पैरों पे सन टैन वगैरह होता है, मतलब शूज़ बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन हमारे पाँव इस तरह के नहीं होते कि हम शूज़ पहने तो हमारे पाँव पे लगे कि शूज़ हमने पहना हुआ अच्छा लग रहा है। तो आज ये इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही ताकि आप लोग भी ये रेमेडी यूज़ करें तो आपके हाथ पाँव जो है ना उनसे सनटैन रिमूव हो, दाग धब्बे दूर हो और आपके हाथ पाँव साफ़ सुथरे वाइट हो जाए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की है वो हमने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं यूज़ की। अब ये रेमेडी आप यूज़ करेंगे ना आप कहेंगे वाकई जो मैंने शूज़ लिया है, जो भी शूज़ पहना है वो मेरे पाँव में अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है पाँव साफ़ सुथरे हो गए तो जो भी आप शूज़ लेंगे, चाहे महंगा शूज़ भी लेंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो चले ठीक है, सस्ता भी लेंगे तो पाँव साफ़ सुथरे हो गए तो अच्छा लगेगा। चले अब रेमेडी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें, अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर राइस फ्लोर ऐड किया 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने ब्लीच लिया, कोई भी ब्लीच ले सकते हैं। अब मैंने स्किन वाइट ब्लीच लिया, उसका एक साशा खोल के उसके अंदर जो पाउडर होता है इसका वो लिया, इसकी क्रीम नहीं ली। अब आपने ये इसमें जो हाफ़ इसके अंदर क्रीम होती है, क्रीम फुल होती है, आपने उसमें से भी हाफ़ ले लिया। उसके बाद आपने तिब्बत स्नो वाइट क्रीम ले लेनी है, तिब्बत क्रीम लेके आपने वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने आपके हाथ पाँव ज़्यादा ड्राई ना, अक्सर हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं या पानी में काम करते हैं तो हमारे हाथ पाँव ड्राई हो जाते हैं, उसके लिए हमने कोकोनट ऑयल ले लिया। अगर आपके पास कोई और ऑयल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर, उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें दही डाल देनी है। दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि जितना भी डस्ट मटी मैल कुचैल हो सारा इस दही के ज़रिए ना आपका उतर के जो है ना साफ़ सुथरे हो जाएँ आपके हाथ पाँव। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आप ये ना समझिएगा कि मैंने ये ब्लीच बनाई है, ये हमारा जो है ना हैंड वाइटनिंग, हैंड एंड फीट वाइटनिंग जो है ना एक तरह का ट्रीटमेंट ही समझ लें आप। उसके बाद अगर आप समझ रहे ब्लीच है, ब्लीच बनाई है तो ब्लीच नहीं है, अगर ब्लीच बनती तो ये क्रीम भी इसके अंदर ऐड होती है, क्रीम हमारी वेस्ट है, हमने ये इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। अब ये देखें आपने, ये इस तरह का बिल्कुल पेस्ट बन गया है हमारा, ये इस तरह का बन गया। अगर आपके पास एलोवेरा जेल अवेलेबल है तो आपने एलोवेरा जेल ले कर उसके साथ जो है ना अपने हाथों पैरों की मसाज करनी है। आपने एटलीस्ट पूरे 10 मिनट तक मसाज करनी है एलोवेरा जेल लेके, एलोवेरा जेल का जो लीव होता है या पत्ता होता है वो लेके। अगर तो आपके पास एलोवेरा जेल का पत्ता या लीव नहीं है तो आप टमाटर भी लेके उससे भी कर सकते हैं स्क्रबिंग। टमाटर लेके आप अच्छी तरह से स्क्रबिंग करें 10 मिनट्स तक, अच्छी तरह से करें। और अच्छी तरह से अगर आप ये रोज़ाना वीक में 3 दफ़ा भी कर लेते हैं ना, मैं कहती हूँ आपके हाथ पाँव ऐसे साफ सुथरे हो जाएंगे, सन टैन रिमूव हो जाएगा कि आप कहेंगे कि वाकई ही बहुत ही बेहतरीन रेमेडी आपने मैंने आपको बताई है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें ताकि मुझे भी हौसला हो कि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोज़ बना सकूँ। तो इस तरह आपने इसका जो है ना मसाज करनी है अच्छी तरह से, 7 मिनट तक आप 10 मिनट तक मसाज करके या 7 मिनट तक मसाज करके इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई होने देना। ड्राई होने के बाद आपने इसको मसल के अच्छी तरह से उतार देना, रगड़ के मसल के उतार देना ताकि जो भी डस्ट मिट्टी हो वो सारा कुछ उतर जाए अच्छी तरह से, और इसके साथ आ जाए जो भी मैल कुचैल होगा सारा उतर जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, बाय बाय। भी चीज़ें चाहे आपकी वो स्किन ही क्यों ना हो, अगर आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे ना तो आपकी वो स्किन भी ख़राब हो जाएगी, अगर आप स्किन पे भी मेहनत करेंगे ना तो आपका सांवला रंग भी गोरा हो सकता है। इंशाल्लाह आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। Oh, 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 oh